डियर स्टूडेंट, हम लोग आज एक क्वेश्चन देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर रोम्बस के ऊपर। अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले तो रोम्बस क्या है? देखिए, रोम्बस और स्क्वायर, जिसे स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर तो आपका ये हो गया, और स्क्वायर में मान लीजिए कि ये ए बी सी डी है, तो इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। इस डायगोनल को ऐसे भी तो बना सकते थे, ये ए बी, ए और सी, और ये क्या हो गया, बी और डी, ये भी तो स्क्वायर हो गया आपका, हो गया कि नहीं? लेकिन यहां दोनों डायगोनल आपका ए सी इज इक्वल टू बी डी है, लेकिन ए सी और बी डी इक्वल नहीं है। सपोज कीजिए ये ए सी हो गया और ये आपका बी डी हो गया, तो ये जो आपका फिगर बना, ये जो फिगर बना का ए सी और ये बी और डी, ये तो स्क्वायर है आपका, लेकिन ये क्या है, रोम्बस है। ध्यान रखिए, ये क्या है, रोम्बस है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये रोम्बस और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है। ये देखिए, ये आपका स्क्वायर हो गया, दोनों डायगोनल इक्वल हो गए, और ये आपका रोम्बस हो गया, दोनों डायगोनल अनइक्वल बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, यही ये कहता है कि इस तरह से कि रोम्बस ड्रॉ करना है जिसका डायगोनल 160 हो, दैट मींस कि ये 100 होगा और ये 60 होगा, सच दैट हॉरिजॉन्टल द फिगर इज द टॉप व्यू। अब ये किसी फिगर का टॉप व्यू है, ये इटसेल्फ कुछ नहीं है, टॉप व्यू है किसी स्क्वायर का जिसका डायगोनल क्या है, 100 mm है। ठीक है, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? अभी तक क्या होता था कि स्क्वायर को इंक्लाइन करते थे, जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, आपने इस स्क्वायर को यहां जाकर के इंक्लाइन करेंगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, रोम्बस। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, रोम्बस मिल गया तो स्क्वायर को कितने डिग्री से इंक्लाइन किए हैं ये निकालना है बेसिकली यहाँ पे आपको। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाते हैं, एक मिनट समझिएगा। देखिए, अभी तक क्या होता था कि हमें जो है कुछ गिवन होता था और हम लोग निकालते थे, जैसे ये आपका एक्स वाई लाइन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फिगर होता था, इसको इंक्लाइन करते थे तो कुछ मिलता था। ठीक है, अब क्या मिलता था वो मिलने के बाद पता चलता था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी मिल गया है, क्या मिल गया है, एक रोम्बस, ठीक है ना, रोम्बस मिल गया है आपको 100 और 60 का रोम्बस मिल गया है। तो ये 160 का रोम्बस जो मिला है वो किसका मिला है, एक स्क्वायर से मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोम्बस यहां बना लें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्क्वायर बनेगा आपका, स्क्वायर किसने दिया है, 100 mm डायगोनल, तो ये 100 mm डायगोनल, दैट मींस कि ये 100 और इसके मिड पॉइंट से 100 मार्क कर लीजिए, दोनों हो गया 100। अब इसको आप मिला लीजिए, ठीक है, ये क्या हो गया, ए स्मॉल में लिखते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी इक्वल टू क्या है, 100। ठीक है, अब यहां पे इसको आप प्रोजेक्ट करते हैं कहां पे, और यहां से आप प्रोजेक्ट करते हैं, क्या मिलता है आपको, ये ए डैश, ये बी डैश, डी डैश और ये सी डैश, और इस लाइन को जब इंक्लाइन करेंगे हम, ठीक ना, कहां से, इस लाइन से, लेकिन ये कितने डिग्री पर, ये मालूम है नहीं इसलिए इसको हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन करेंगे जहां से भी ये ए डैश मिलेगा और कहीं यहां सी डैश मिलेगा, ठीक ना, और फिर इसको जब प्रोजेक्ट करते थे, इसको प्रोजेक्ट करते थे और इसको इधर आगे बढ़ाते थे, याद होगा आपको, अब आगे बढ़ाते थे, ठीक ना, तो ये ए के नीचे तो ए मिल जाएगा, सही है, ठीक है, लेकिन अब यहां जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये रोम्बस मिल रहा है, ध्यान दीजिए कितने का, 100 का और 60 का, ये तो 100 जा रहा है कि नहीं, अब 60 यहीं पे ऑप्शन है, ये 60 ड्रॉ कर लीजिए, ये ए से सी जो है यहां पे, सी यहां ए सी कितना ले लीजिए, 60 ले लीजिए,
एसी 60 ले लीजिए और मिड पॉइंट से मार्क कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बी और ये डी, और इन सभी भाई बंधु को मिला दीजिए। तो ये क्वेश्चन में गिवेन है, ठीक है। अब ये सी आता कहां से था दोस्त, यही ऊपर से आता था, कहां से आता था, उल्टा कर लिए, ये भी इधर से आता था। अब यही ए बी ले करके एसी लेर कहां का कंपास में ले करके, ठीक है ना, कंपास में ले करके और इधर से आर्क मार लीजिए, ठीक है ना। तो जहां भी आर्क आपने लगाया वो क्या मिल गया आपको, सी डैश, इस ए डैश को सी डैश से मिला दीजिए, ये जहां कट किया वही क्या हो जाएगा, बी डैश डी डैश और ए सी डैश। अब ये एंगल निकाल करके बता दीजिए कितना आया, यही एंगल आंसर हो जाएगा और कुछ है ही नहीं, यही तो आपका जो है फ्रंट व्यू, ठीक है। तो ये एंगल बस सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आई थिंक कि ये आपसे बन जाएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में ये दे सकता था कि ये जो डायगोनल है आपका बीडी ये इतने से इंक्लाइन है या एसी इतने से इंक्लाइन है, तो इसके आगे जो है हम इसको प्रोसीड कर सकते थे, बना सकते थे, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, फिर किसी नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।